हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने नंबर वन यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव और अर्जेंट अपॉर्चुनिटी चेक रिपब्लिक के लिए फास्टेस्ट वे में बहुत ही ज़बरदस्त काम आया हुआ है फ्रेंड्स। जिसने भी चेक रिपब्लिक में आना है, आके सेटल होना है फास्टेस्ट वे में बिना इफ और बट के, तो वो लोग इस वीडियो को देखें और वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। पूरी वीडियो देखेंगे, बेनिफिट आपका ही होगा दोस्तों। इसी तरीके की वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, जो आपको और कहीं देखने को मिलने वाली नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि जो अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फास्टेस्ट वे में ऐसा कौन सा काम है जो चेक रिपब्लिक में हो पाएगा। मैं सारी डिटेल दूंगा, इससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। नंबर वन, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे कैंडिडेट को जिनका US का वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से कैंडिडेट को। ठीक है जी, उनका US का वीज़ा आ चुका है। काफ़ी नर्वस थे जब वो हमारे पास आए कि सर US का वीज़ा का इंटरव्यू कैसे देंगे। पूरी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई दोस्तों, पूरी प्रिपरेशन की कराई गई और सारी की सारी उनकी प्रोफाइल देखने के बाद उनका वीज़ा अप्लाई करवाया गया। उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। और ऐसी ही नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरी देखने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम ID पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको क्लियरली स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही होगी। इस तरीके की बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स और आपको अच्छी अच्छी वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज, नई नई जो अपकमिंग आती हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर भी चाहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। भाई आपकी खुद की इच्छा है भैया, नो इफ़ नो बट। ठीक है जी, फेसबुक पर भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स और साथ में ऐसी इस तरीके की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो वर्क परमिट आया है चेक रिपब्लिक के लिए, ये उस हर इंसान के लिए है जो शनिगन में जाने का सपना देख रहे हैं। ठीक है जी, लंबे टाइम का वेट नहीं कर पा रहे हैं, 8-8 महीने, 10-10 महीने, 1-1 साल तक वीज़ा के डिसीजन का इंतज़ार करते रहते हैं और लास्ट में रिफ्यूज़ल ही आ जाता है। तो अगर आप रिफ्यूज़ हो चुके हैं शेंगेन की किसी भी कंट्री से, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो होने वाला है दोस्तों, ये 3 महीने का आपका वर्क परमिट होगा। ठीक है, जिसे सी कैटेगरी का आप कह सकते हैं, लेकिन ये वर्क परमिट होता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और ये बहुत नया ऑप्शन है, ये अभी तक ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। ठीक है जी, बहुत रेयर लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है। ये 3 महीने का दोस्तों जो वीज़ा होता है, इसे सीजनल वीज़ा भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, और ये जो इसकी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें सवाल आते हैं कि सर चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, किसी को भी चेक रिपब्लिक या शेंगेन की किसी भी कंट्री की, मैंने आपको जैसे भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प की जाएगी जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए। ठीक है जी, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ID और व्हाट्सएप नंबर क्लियरली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद ही मैसेज या कॉल किया जा सकता है, ये हमने क्लियर करके बता दिया। अननेसेसरी में मैसेज करके हमारा टाइम बिल्कुल भी खराब ना करें भाई, क्योंकि जिसको अपने टाइम की वैल्यू है, हमारे टाइम की वैल्यू है, वही केवल हमें संपर्क करें। ठीक है, जिनको जेन्युइनली काम करवाना है, उनकी इंटेंशन हमें क्लियर दिख जाती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये 2-3 तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी का काम आया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो आया हुआ है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर का काम जो कर सकते हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर पर है वो आया हुआ है दोस्तों रेस्टोरेंट में वेटर का। तो वेटर के लिए भी प्रोफाइल है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड प्रोफाइल है, ध्यान रखिएगा। ये वीज़ा इतनी आसानी से नहीं दोस्तों, जो इसके वर्क परमिट होते हैं, इशू होते हैं, बहुत ही रेयर आपको वर्क परमिट इसके मिलेंगे, क्योंकि सारी कंपनीज के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि ऐसे वर्क परमिट वो इशू कर दें। ठीक है जी, बहुत अच्छी कंपनी जो होती हैं वही वर्क परमिट इशू करती हैं प्रॉपर। ठीक है, उन्हीं के ही वर्क परमिट से वीज़ा लगता भी है, क्योंकि कंपनी अगर आपकी अच्छी होगी दोस्तों, आपकी जब प्रोफाइल जाएगी एम्बेसी में, तो कंपनी से भी वेरीफाई होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर कंपनी से कॉल जाता है एम्बेसी में कि नहीं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपनी से कॉल भी जा सकता है, जो एम्बेसी से सॉरी कॉल भी जा सकता है कंपनी को, और इसके साथ साथ मेल भी जा सकती है। तो कंपनी आपकी जैसे ही उसको यस करती है और सारी की सारी डिटेल कंपनी एम्बेसी को वेरीफाई करवा देती है, तभी जाके वीज़ा के जो चांसेस होते हैं दोस्तों ब्राइट होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे सवाल हमें इसलिए भी आते हैं। तो अगर आपको किसी को अपनी कंपनी चेक करवानी है, कि अगर आपने कहीं से भी अप्लाई किया है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको चेक करके बता देंगे भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इस वीज़ा में जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने की रहती है। ठीक है जी, उसके बाद आप, लेकिन ध्यान रखिएगा, शेंगेन वीज़ा होता है, शेंगेन की किसी भी कंट्री में आप मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि काफ़ी कम बजट में काम आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बजट भी नहीं लगेगा आपका, सस्ते में आपका काम होने की पूरी संभावना है,
ठीक है जी। सक्सेस रेट की बात करूं तो सक्सेस रेट पहले काफ़ी डाउन जा रही थी दोस्तों, लेकिन अब जो प्रीवियस वीज़ाज अप्रूव हुए हैं ठीक है, तो उससे पता चल गया है कि ये सक्सेस रेट भी अब ठीक इसकी हो गई है ठीक है। तो इसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया है मोर और लेस जो डिपेंड करता है वो तो एम्बेसी पे ही करता है, लेकिन फिर भी अब आपका ये वीज़ा बहुत जल्दी अप्लाई हो पाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों इसमें टाइम फ्रेम की मैं बात कर लूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 2.5 महीने का इसमें टाइम फ्रेम लगेगा, बहुत ही कम टाइम है, जो कि अदर शेंगेन वीज़ा की अगर मैं बात करूँ जो वर्क परमिट है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, और फिर भी क्या होता है कि रिफ्यूज़ल आने के चांसेस भी उसमें भी रहते हैं ठीक है जी। तो ऑब्वियस ही बात है एक वीज़ा आपको 10 महीने बाद डिसीजन दे रहा है ठीक है, और अगर आपका 10 महीने बाद रिफ्यूज़ होता है तो दोस्तों आपका 10 महीने भी तो ख़राब होते हैं, ये भी तो देखिए, क्योंकि ये तो अम्बेसी के ऊपर टाइम है, अम्बेसी आपके टाइम ख़राब करती है, ऑब्वियस ही बात है भाई 10-10 महीने 8-8 महीने होल्ड करके प्रोसेस को रखा जाता है ठीक है, कभी वर्क परमिट नहीं आता, कभी कुछ कभी ये चीज़, तो ये चीज़ तो अम्बेसी के ऊपर है भाई, सिंपल सा फॉर्मेट है ठीक है। तो बाकी चेक रिपब्लिक की अम्बेसी को फास्ट काम भी करना चाहिए ताकि डिसीजन फास्ट आ जाए, और वो भी इस पर काम कर ही रहे हैं। और जो ये वाला वीज़ा है दोस्तों इसका डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है, इसके डिसीजन के लिए आपको 8-8, 10-10 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वर्क परमिट भी आपका जल्दी इशू हो जाएगा, साथ में सबमिशन भी आपकी फास्ट हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता आपकी है नहीं ठीक है जी। ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब फ्रेंड्स मैं सैलरी की बात करता हूँ डॉक्यूमेंट की। सैलरी दोस्तों इसमें जो रहने वाली है लगभग 1000 यूरो के आसपास रहने वाली है, मोर और लेस हो सकती है, ध्यान रखिएगा कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भाई, वीज़ा इंडस्ट्री में गारंटी कुछ नहीं होती ठीक है, तो मोर और लेस हो सकती है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं 18 से लेकर 48 साल तक के, यानी कि 18-48 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट हैं वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब इसे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जी। ये भी मैंने क्लियर करके बता दिया। तो काफ़ी लोग पूछते हैं सर हम इस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं उस कंट्री से, भाई आपकी इच्छा होनी चाहिए ठीक है जी, और आपके पास अमाउंट स्पेंड करने की क्षमता होनी चाहिए तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं भाई ठीक है जी, क्योंकि फ्री काम कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, फ्री कुछ नहीं होता ध्यान रखिएगा दोस्तों ठीक है जी। तो फ्री वाले कृपया करके हमसे संपर्क ना करें भाई, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें डॉक्यूमेंट की भी कोई ज़्यादा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही लेस डॉक्यूमेंट चाहिए, कम क्वालिफिकेशन वाले पर्सन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जी। आपको अकोमोडेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से ठीक है जी, फूड इंक्लूड नहीं होगा ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, 2 से 2.5 महीने आप मान लीजिए मैक्सिमम टाइम लगता है, इससे ऊपर टाइम जाने की संभावना कम है, रेयर केस में जा भी सकता है, इसकी भी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती ध्यान रखिएगा दोस्तों, गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं होती, कभी कभी कुछ केसेस में टाइम एक्स्ट्रा लग भी जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है और हर चीज़ किसी के भी हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें अम्बेसी वालों के हाथ में होती हैं ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जिसने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।